इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं। सत्रवां दिन, विश्वास की घोषणा। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपने कर्म को विश्वास से के पीछे रखता हूँ। ईश्वर ने मेरे दिल में जो कुछ रखा है उसकी ओर बढ़ने के लिए साहसिक कदम उठाकर मैं अपने विश्वास का प्रदर्शन करता हूँ। मेरा विश्वास देखा जा सकता है। ईश्वर मेरे विश्वास को देखता है। वह अनंत काल के लिए अपने अद्भुत वादे को मेरे लिए पूरा करता है। यह मेरी घोषणा है। दिव्य स्वास्थ्य की स्वीकृति। मैं बीमारी और रोग पर शासन करता हूँ। मैं सुसमाचार के आशीर्वाद की पूर्णता में चलता हूँ और सुंदरता, सम्मान और दिव्य समृद्धि का आनंद लेता हूँ। मेरे विश्वास से भरे बयानों के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य और कल्याण के संबंध में ईश्वर की इच्छा आज और हमेशा स्थापित होती है। ईश्वर की महिमा। आमीन। मेरे पास वह होगा जो मैं कहूँगा। यीशु के नाम में। यौहन 14:13। मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धनी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ईश्वर का प्रिय हूँ, मैं ईश्वर और मानव जाति का कृपा पात्र हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, न कि जो मैं देखता हूँ। मैं एक अनमोल बीज हूँ। मैं अपने ईश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ। मैं अपने प्रभु के दरबार में ताड़ के पेड़ की तरह फलता फूलता हूँ। मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करता हूँ। मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ और बुढ़ापे में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहूंगा। मेरा पत्ता मुरझाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वह यीशु के नाम में समृद्ध होता है। चीजें हमेशा मेरे लिए यीशु के नाम में काम कर रही हैं। मैं मसीह यीशु में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद का प्राप्त करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है। मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर में रहते हैं। मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है। मेरा अंतर्मन सुनता है, प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देता है और मेरा शरीर पालन करता है। यीशु के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ, ईश्वर का विनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त हो। मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूँ। मैं अपने मनोभाव से बात करता हूँ, परिपूर्ण बनो मसीह के मनोभाव की तरह और मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन से संरक्षित होने की आज्ञा देता हूँ। मैं अपनी स्नायु और नसों से जीवन बोलता हूँ। मैं अपनी मांसपेशियों और स्नायु बंधन को ताकत बोलता हूँ। मैं अपने दिल से जीवन शक्ति बोलता हूँ। मैं अपने फेफड़ों और ऊतकों से सामान्य वेंटिलेशन और परफ्यूजन अनुपात बनाए रखने की बात करता हूँ। मैं अपनी किडनी, लिवर और अग्नाशय को पूर्णता बोलता हूँ। मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है। मेरी हड्डियाँ, जोड़ और कार्टिलेज संरेखित, मजबूत और दृढ़ है। मेरे पूरे ऊपरी और निचले अंग उत्कृष्ट रूप से कार्य करते हैं। मेरी आँखें स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से देखती हैं और मेरे कान काम करते हैं बेहतरीन। मेरी त्वचा एक नवजात शिशु और ईश्वर की सुंदरता की तरह चिकनी और स्वस्थ है। मेरे बालों के रोम कस गए हैं। मैं अपने बालों को स्थिर रहने की आज्ञा देता हूँ और जहाँ वृद्धि की आवश्यकता होती है मैं अपने रोम में विकास छोड़ता हूँ। मेरे दांत, मसूड़े, जबड़े की हड्डियाँ और तंत्रिका और रक्त की आपूर्ति सभी स्वस्थ, मजबूत और परिपूर्ण है। मेरे सभी हार्मोन्स और न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर्स एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में है और अपने कार्यों को सामान्य रूप से निष्पादित कर रहे हैं। मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खाद्य पदार्थों को पचाने,
अवशोषित करने और आत्मसात करने में सक्षम है और चयापचय अवशिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सर्जित होते हैं। मैं खाने, तकनीक, मीडिया, शिथिलता, गपशप, आलस्य, अधिक नींद, सुस्ती और बाध्यकारी खरीदारी में सभी प्रकार के व्यसनों, शराब, निकोटिन, ड्रग्स, द्विघातुमान, अत्यधिक भोग को कैद करता हूँ और मसीह की आज्ञाकारिता में लेता हूँ। जैसे यीशु, वैसा ही मैं। ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वह मेरे लिए जीवन और चंगाई है। इसलिए खाद्य पदार्थों, धूल, जानवरों आदि एलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है। मेरा पुरुष प्रजनन तंत्र पर्याप्त मात्रा में और अच्छी गतिशीलता वाले शुक्राणुओं का उत्पादन और जमा कर रहा है। मेरा स्त्री प्रजनन तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है और जन्म तक भ्रूण की रक्षा और पोषण कर रहा है। मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशिका पूर्णता में कार्य करता है जिसके लिए ईश्वर ने इसे कार्य करने के लिए बनाया है, और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विकृति को यीशु के नाम पे मना करता हूँ। आमीन। मेरा संपूर्ण मानव शरीर रचना विज्ञान, चयापचय और शरीर क्रिया विज्ञान मसीह यीशु में परिपूर्ण है। महिमा, हालेलुया, आमीन। पिता ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ। पुत्र ईश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है मैं जानता हूँ। पवित्र आत्मा ईश्वर मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ। शलोम।